अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू समोसा रोल रेसिपी। तो ये जो रोल है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और इंतहाई सायकेदार बनते हैं। आप इसे टी टाइम के अलावा रमज़ान में इफ्तार के लिए भी बनाएं। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम एक कप मैदे का आटा ले रहे हैं, एक चम्मच इसमें जाएगी कलौंजी, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और दो चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं मेल्टेड घी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे रेगुलर रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसको भी हम गूंथ के तैयार कर लेंगे। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आटा गूंद के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। ना ही तो ज़्यादा टाइट है और ना ही सॉफ्ट है, इसी तरह का होना चाहिए। हम इसे तकरीबन 15 मिनट तक बंद कर देंगे। इस आटे को हम साइड में रख देते हैं और इसकी स्टफिंग बनाएंगे। तो इसकी स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर हम दो आलू को बॉयल कर लिए थे। बॉयल करने के बाद हम इसको मैश कर दिए हैं। तो गाइस, आप इस आलू को कलर देना चाहते हैं तो बॉयल करते वक्त एक चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ऐड करें, और अब इसमें जाएगी बारीक कटी हुई प्याज। एक चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, और एक चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाला। दो से तीन हरी मिर्च को हम बारीक कट कर लिए थे, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, और अब जाएगा हरा धनिया। हम इसे थोड़ा सा स्पाइसी बना रहे हैं तो एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। अगर आपके हरी मिर्च बहुत ही ज़्यादा तेज़ है तो आप इसको स्किप कर दें। आप चाहे तो इसमें अपनी पसंद के और भी मसाले डाल सकते हैं। तमाम चीज़ें डालने के बाद तो गाइस, आप इसमें दो से तीन टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ज़रूर ऐड करें। हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिए हैं, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, लेकिन आप इसमें ज़रूर डालें और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर दें। आलू का बॉल्स बनाने के लिए अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें। जब हाथ अच्छे से ऑयली हो जाएंगे, आप जितने से इसका रोल बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आलू का मिक्सचर लें और इसको ऐसे सॉफ्ट कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रोल बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर ये सारे बॉल्स बन के तैयार हो चुके हैं। इस आटे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आटा है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हुआ है। आटे को हम बॉल से बाहर निकाल दिए हैं, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसकी रोटी बेलने के लिए थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे, और आपको इसकी रोटी बहुत ही ज़्यादा पतली बेलनी है। आप इस रोटी को जितना ज़्यादा पतला बेलेंगे रोल उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इस रोटी को बेलते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो रहे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी रोटी है बहुत ही ज़्यादा पतली हो चुकी है। हम इसको ऐसे कट करेंगे। पहले हम इसके सारे किनारों को अलग कर देते हैं। जितने साइज़ का आलू का बॉल है आप उसके हिसाब से इसका रोल कट करें। एक रोटी में तीन रोल बन के तैयार हो चुके हैं। एक आलू का बॉल लेके हम इसके अंदर ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे लपेटते जाएंगे। यहाँ पर आप इसे टूथपिक लें और इसके अंदर ऐसे डाल दें। सेम इसी तरह करके यहाँ पर हम ये तमाम रोल बना के तैयार कर लिए हैं। ऑयल को हम 5 मिनट पहले ही हाई फ्लेम पर गर्म कर दिए थे, तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसका फ्लेम मीडियम कर दिए हैं, और मीडियम फ्लेम पर हम ये तमाम रोल को फ्राई करेंगे।
आपकी कढ़ाई में जितने रोल आ सकते हैं आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हम एक ही ट्रिप में सारे रोल को डाल दिए हैं। रोल डालने के बाद हम इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ऐसे ही रख देते हैं। जब इसकी साइड हल्के से चेंज होने लगे हम इसको पलट देंगे। जब ये रोल क्रिस्पी होने के साथ साथ लाइट ब्राउन हो जाएंगे तब इसको हम निकालेंगे। तो हम इसको और 10 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे और 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पर तैयार है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और इंतहाई सायकेदार आलू समोसा रोल। आप इस गर्मा गर्म रोल को टोमेटो केचप के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। आप इस रोल को टी टाइम के अलावा रमज़ान में इफ्तार के लिए भी बनाएं, बहुत ही जल्दी और मज़े की बन के तैयार होते हैं। तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और इसे इंजॉय करें। आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल शहदाज कुकिंग पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम मिलते हैं कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।